नीलू काम से घर वापस लौटता है, तभी उसकी पत्नी उससे शिकायत करने लगती है। सुनो जी, मुझे तो माँ ने परेशान करके रखा है। उनकी रोज रोज की चिक चिक से मैं तो परेशान हो गई हूँ। कभी बहू ये करो, कभी बहू वो करो। उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते, मेरा पीछा छुड़े उनसे। मैं तो उनकी चिक चिक से दुखी हो गई हूँ। अरे रेशम, ये तुम क्या कह रही हो, इतने उम्र में माँ कहाँ जाएगी, चलो अपना काम करो। उधर माँ सब कुछ सुन रही थी। अरे रेशम, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। सर्दियाँ आने वाली है, घर में अनाज भी स्टोर करना है। उधर रेशम नीलू के काम पे जाते ही, माँ जी मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर देना। ठीक है बहू। अरे दादी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप घर का काम क्यों कर रही हो, चलो हटो, माँ आकर कर लेगी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं सारा काम कर लूंगी। और जब रेशम अपनी सहेलियों से मिलकर घर लौटती है, तब उसकी सास ने घर का सारा काम कर लिया था। अरे बुढ़िया ने तो सारा काम कर लिया, इसे घर से निकालने के लिए कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। नीलू को घर वापस आते देखकर, अरे माँ जी तुमने ये क्या किया, मेरा हाथ जला दिया, सारा दिन की तो मैं काम कर रही हूँ और आपने अब मेरा हाथ जला दिया, अब मैं घर का काम कैसे करूँगी। देखो जी, माँ ने मेरा हाथ जला दिया, जानबूझकर इस हाथ पर गर्म पानी डाल दिया, अब मैं घर का काम कैसे करूँगी, सारा दिन की तो मैं घर के काम में लगी हूँ। अरे माँ, आपने ऐसा क्यों किया। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, शर्म नहीं आती आपको। सुनो जी, या तो इस घर में अब मैं रहूँगी या आपकी माँ। अरे माँ, आप हमें चैन से क्यों नहीं जीने देती, मैं तो इस रोज रोज की चिक चिक बाजी से परेशान हो गया हूँ। आप उस पुराने घर में क्यों नहीं रह लेती जो पिताजी ने बनाया था। और माँ अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुनकर बहुत दुखी होती है और घर छोड़कर अपने पुराने घर में चली जाती है। अरे पापा, दादी कहाँ है, कहाँ चली गई, उनकी तो बहुत तबीयत खराब थी। बेटा, दादी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। इस घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, घर बहुत ही बेजान और पुराना हो गया है, कुछ ना कुछ तो अब मुझे करना होगा। और अब नीलू की माँ जामुन बेचने का काम करने लगती है, लेकिन शाम तक कोई फल नहीं बिकता। अरे काकी चलो घर चलते हैं, शाम हो गई, इतने उम्र में भी तुम कितना काम करती हो, चलो और फल कल बेच लेना। काकी चलो, आज फल बेचना नहीं चलती, अभी सोकर नहीं उठी। अरे बेटी मेरी आज बहुत तबीयत खराब है। अरे काकी तुम्हें तो बुखार लग रहा है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अरे अम्मा कैसी हो, आपका तो बदन बुखार से तप रहा है, आपको तो बहुत तेज बुखार है, लो मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ और ये दवाई खा लेना। और हाँ अम्मा, अब कुछ दिन तक घर पर ही आराम करना, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। काकी आज आप घर पर ही आराम करो। ठीक है बेटी, मैं कल चल लूंगी तुम्हारे साथ फल बेचने। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अरे फल ले लो, फल ताजे ताजे फल, फल ले लो, फल ताजे ताजे फल, चलो सबने से फल खरीद लेते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे अम्मा ये जामुन कितने रुपए किलो है। 10 रुपए किलो बेटा। अरे दादी आप यहाँ कैसे, आप तो किसी रिश्तेदार के पास गई थी और फिर वापस भी नहीं आई, आप यहाँ किसके साथ रहती हो। तुमको मेरा पोता
चलो मेरे साथ घर चलो। टिंकू और उसका दोस्त दादी के घर चले जाते हैं। दादी टिंकू को सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके मम्मी पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। दादी मैं अपने बुरे माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके पास ही रहूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो अपने माँ बाप के साथ। नहीं दादी, मैं उन्हें बता कर आता हूँ और अपना सामान लाता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और अब टिंकू अपने दोस्त के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चला जाता है। मम्मी पापा आपने मुझसे झूठ बोला था, दादी अपने रिश्तेदार के पास गई है, बल्कि आप दोनों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब आप दोनों को मैं छोड़कर हमेशा के लिए दादी के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। आप दोनों ने भी तो मेरी दादी के साथ ऐसा किया है, अब भुगतो अपने कर्मों की सजा। और टिंकू अपनी दादी के पास चला जाता है और दादी और पोता दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। टिंकू अपनी दादी की खूब सेवा करता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी के साथ बुरा मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम्हारे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। गोलू कोए ने जंगल में पंपकिन का होटल खोला। सोनी चिड़िया, रानो और नीलू मौसी सब गोलू से मिलने आए। अरे गोलू भैया, तुमने तो जंगल में मंगल कर दिया पंपकिन का होटल खोलकर, अब तो सब यहाँ मजे करने आएंगे, बहुत ही मजे आएंगे। धन्यवाद रानो, सोनी और नीलू मौसी। चलो रानी खाना बना रही है, पहले खाना खा लो, बाद में बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। अरे रानी अभी तक खाना नहीं बना क्या? देखो कौन आया है, रानो सोनी और नीलू मौसी आए हैं। बस जी खाना बनने ही वाला है। अरे आओ आओ सोनी, रानो और नीलू मौसी, बैठो अभी खाना लगाती हूँ मैं आप सबके लिए। लीजिए खाना खाइए नीलू मौसी, खाना बहुत अच्छा लगा रानी बेटी। नीलू मौसी मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है, चलो उधर चलते हैं। नीलू मौसी, सोनी और रानो, तुम सब मेरा होटल चलवाने में मेरी मदद करो। तुम यहाँ पिकनिक के लिए सारे जंगल पंछियों को बुला कर लाओ। ठीक है गोलू भैया, हम जंगल के सारे पंछियों को बुला कर लाते हैं, पर बाद में तुम हमें मत भूल जाना। अरे नहीं नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तभी आ जाना, तुम सबका तो अपना ही होटल है। ठीक है गोलू भैया, अब हम चलते हैं और सबको पिकनिक के लिए बुला कर लाते हैं। अब तीनों चिड़िया जंगल में सभी पंछियों के पास जाती है। अरे गोरी सुनो, कालू भैया ने जंगल के पास पंपकिन का होटल खोला है, जंगल के सारे पंछी वहाँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है, क्यों ना तुम भी बच्चों को लेकर हमारे साथ पिकनिक के लिए चलो। ठीक है सोनी बहन, मैं भी कल बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ पिकनिक पर चलूंगी। चूड़िया पहन लो चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। अरे छोटी तुम कितना काम करती हो, रोज चूड़िया बेचने जाती हो, कभी आराम भी कर लिया करो ना। गोलू ने जंगल में पंपकिन का होटल खोला है, सारे जंगल के पंछी वहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। ठीक है नीलू मौसी, अगर कल समय मिल गया तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी गोलू के होटल में। और अब गोलू कौवे के होटल में पंछियों की पिकनिक के लिए भीड़ लग जाती है और होटल में सारे पंपकिन के कमरे बुक हो जाते हैं और सारे भर जाते हैं। कुछ परियां जंगल में घूमते हुए आती हैं, देखती है आज तो जंगल में एक भी पंछी नहीं, सब कहाँ गए, पंछियों के बगैर जंगल कितना सूना सूना लग रहा है। और रात को सारे पंछी जब होटल में आराम कर रहे थे
अचानक तेज बारिश आ जाए और लगातार 2 दिन तक बारिश नहीं रुकती। बारिश इतनी तेज आने के कारण नदी में बाढ़ आ जाती है। एक एक करके सारे पंपकिन इधर उधर बहने लगते हैं। तभी वे 3 जादुई परी पंपकिन को नदी में बहते हुए देखती है और पंछियों की आवाज भी सुनती है। शायद पंपकिन के घर में कोई है जो मदद मांग रही है। तभी तीनों परी वहां जाती है और उन सारे पंपकिन के घरों को अपनी जादुई शक्ति से नदी से निकाल लेती है और एक टापू पर रखती है। सारे पंछियों की जान बच जाती है। सारे पंछी परियों से कहते हैं, धन्यवाद सुंदर सुंदर परी, आज आपने हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब आप सब जंगल वापस जाओ, नदी का पानी भी नीचे उतर गया है, बारिश भी बंद हो गई है, तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है, जंगल तुम्हारे बिना सोना सोना लग रहा है। ठीक है प्यारी सुंदर परी जी, आप हमारी मदद करने के लिए आते रहना। जब कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो हमें याद कर लेना, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब सारे पंछी जंगल में अपने घरों में वापस आ जाते हैं। और गोलू कौए का होटल तो बह गया था। गोलू कौआ भी सारे पंछियों के साथ जंगल में वापस आ जाता है। अब जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।